विक्रम से संपर्क स्थापित करने में इसरो की मदद के लिए नासा ने हाथ बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि नासा ने अपने डीप स्पेस नेटवर्क की मदद से विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश की है। दरअसल नासा ने एक ग्राउंड स्टेशन से विक्रम को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए संदेश भेजा था, जिसकी मदद से प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि ये काफी हल्की प्रतिक्रिया थी। इस प्रतिक्रिया से इसरो के वैज्ञानिकों में फिर से उम्मीद जागी है। दरअसल विक्रम ने चंद्रमा के जिस हिस्से पर हार्ड लैंडिंग की है, वहां 14 दिन ही सूर्य की रोशनी आती है। ये 14 दिन यानी 20-21 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद चांद के उस हिस्से पर गहरा अंधकार और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नासा कैलिफोर्निया, मैड्रिड और कैनबरा स्थित अपने ग्राउंड स्टेशनों से रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम कर रहा है। उम्मीद है कि किसी न किसी स्टेशन से विक्रम का संपर्क हो ही जाएगा। इसरो की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री स्कॉट टिल्ली ने ट्वीट कर कहा कि विक्रम को भेजे गए संदेश की हल्की सी प्रतिक्रिया मिली है। बता दें, टिल्ली उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने 2005 में गायब हुए नासा के एक जासूसी उपग्रह का पता लगाया था। टिल्ली की इस ट्वीट से इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।